आज देखें हमारे हम और आप भी अपनी बच्चियों को क्या पहनाते, जींस पहनाते हैं और क्या बोलकर पहनाते, लेडीज जींस है। ये लेडीज जींस क्या होता है? अच्छे अच्छे घरानों की बड़ी बड़ी लड़कियां जींस पहन करके बाहर निकलती हैं और आजकल तो एक कपड़ा आया हुआ है जो हमारी खवातीन पहनती है, वो पैंट वाला जो आधी पिंडली तक रहता है। अपने घरों का जायजा लें, आपके घरों में भी इस तरीके के कपड़े आपकी खवातीन पहन रही होंगी। मर्द को टखने से ऊपर कपड़ा रखना है, लेकिन आज औरत ने कपड़े के फितने में अपने आप को मुब्तला कर लिया। वो पैंट पहनती है, वो टखने से ऊपर होता है, शलवार टाइप का ही होता है, लेकिन उसका नाम बदल गया, वो पैंट है। और पैंट भी इसी तरीके का रहेगा तो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा, वरना हमारी सहेली ऐब निकाल देगी, हमारी फ्रेंड जो है ऐब निकाल देगी। आज देखे आप खुद देखें, अंदाजा करें कि आप 10 में से 6, 7, 8 औरतों के कपड़े टखने से ऊपर हैं। वल्लाही, और कपड़ों के मामले में आप देखें, नकाब और इसी तरीके से कपड़ा ऊपर उठा करके नकाब चल रही है। नकाब फिर किस लिए पहना है आपने? नकाब किस लिए पहना आपने? अंदर क्या पहन रखा है आपने? सारा कुछ पूरे मार्केट को, पूरे गली वालों को दीदार करा रहे हो भाई। बुरका गंदा हो जाएगा, धो लेना, लेकिन अपनी इज्जत की तो हिफाजत करें, अपनी शर्मो हया का जनाजा तो ना निकाले। ये पैंट पहना हुआ है आपने अंदर, घर में भी पहने तो जायज नहीं है। जो पैंट आप पहन रहे टखने से ऊपर रख करके, नमाज नहीं होती इसी हाल में? नमाज पढ़ ले तो, इसी हाल में नमाज पढ़ ले, नमाज नहीं होगी आपकी, और आप पहन करके बड़ी शान से चल रहे। ठीक है, आप शौहर के पास, उसके साथ बिस्तर पर, आप जो चाहे जैसे चाहे कपड़े पहने, लेकिन घर में इस तरीके का कपड़ा पहनकर रखे, उसी में नमाज पढ़े अलाउड नहीं है। इस फितने से अपने आप को बचाएं। अच्छा, वो जींस वाली बात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, आप खुद से सवाल करें, जींस असलन बनाई किसके लिए गई है? मर्द के लिए। और उसमें लेडीज टेस्ट डाल दिया जाए तो भाई, आप शराब का नाम शहद रख दो तो वो शराब शहद नहीं हो जाएगी। आप नाचने गाने और मुजरा करने वालों को हीरो कह दे, वो हीरो नहीं हो जाते, वो मुजरा करने वाला, नाचने गाने वाला ही रहेगा। ऐसे ही आप लेडीज जींस और जेंट्स जींस का फर्क कर दे तो उसके लिए, आपकी बच्ची के लिए वो कपड़ा जो जींस वाला है वो जायज नहीं हो जाएगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन्निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर रिजाल। अल्लाह की लानत हो ऐसे मर्दों पर जो औरतों के जैसा बनते हैं, और अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो अपने आप को मर्दों जैसा बनाती है। तो ये पैंट, ये जींस आप खुद तसव्वुर कर ले, अपने अपने घरों का जायजा ले ले, बाकी बातें मैं नहीं बोलता, आप होशियार हैं। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।